गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी रीड चैप्टर फोर्थ फॉरेस्ट एनिमल्स, पेज नंबर 28, पार्ट सेकंड, टॉपिक फूड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। आपको जंगली जानवरों का भोजन बताया गया है कि वो क्या खाते हैं। ऑल एनिमल्स डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। सभी जानवर एक ही तरह का भोजन नहीं खाते हैं। सम एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, जेब्रास एंड डियर ईट ग्रास, फ्रूट एंड लीव्स। कुछ एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट, जेब्रा, डियर, ये सभी घास खाते हैं, फ्रूट फल फूल खाते हैं और पेड़ों की पत्तियों को खाते हैं। दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवोरस। इन्हें हम पौधे खाने वाले जानवर या शाकाहारी जीव कहते हैं। आपको विदपिक भी बताया गया है, जैसे एलिफेंट, जेब्रा एंड डियर। नेक्स्ट पैराग्राफ, एनिमल्स लाइक लियोपार्ड, लायंस एंड स्नेक्स हंट एंड किल स्मॉलर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश। कुछ जानवर जैसे कि लियोपार्ड, लायन और स्नेक छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, उन्हें मारते हैं और उनके मांस को खाते हैं। दे आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोरस। इन्हें हम मांस खाने वाले जानवर या मांसाहारी जीव कहते हैं। जैसा कि आपको पिक में भी दिखाया गया है, लायन, स्नेक एंड लियोपार्ड आर कार्निवोरस एनिमल्स। नेक्स्ट पैराग्राफ, एनिमल्स लाइक बियर्स एंड क्रोज ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ओमनीबोरस। कुछ जानवर जैसे कि बियर और क्रो प्लांट्स को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। दे आर कॉल्ड ओमनीबोरस, इसलिए उन्हें सर्वाहारी जीव कहते हैं, क्योंकि वो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जानवरों के मांस को भी खाते हैं। आपको विद पिक दिखाया गया है, लाइक बियर एंड क्रो। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 29। सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। कुछ जानवर मरे हुए जानवरों का, सड़े हुए जानवरों का मांस खाते हैं। दे हेल्प टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन। वे हमारे जंगलों को साफ रखने में हमारी सहायता करते हैं। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, इन्हें हम स्कैवेंजर्स या मुर्दाखोर भी कहते हैं। मुर्दाखोर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मरे हुए या काफ़ी दिन से सड़ रहे जानवरों के मांस को खाकर हमारे जंगलों को साफ और स्वच्छ करते हैं, इसीलिए इन्हें मुर्दाखोर बोलते हैं। वल्चर्स, जैकाल एंड हाइनास आर स्कैवेंजर्स। आपको विद पिक भी दिखाया गया है, कुछ स्कैवेंजर्स के नाम दिए गए हैं, लाइक वल्चर, जैकाल एंड हाइना, ये स्कैवेंजर्स होते हैं। अ पाइथन कैन स्वेलो एन एनिमल लार्जर देन इटसेल्फ। जो पाइथन होता है वो अपने से भी कई गुना बड़े जानवरों को निगल जाता है। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके टू एग्जाम्पल्स लिखने हैं जो अभी हमने पढ़ा है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड स्कैवेंजर्स। हर्बीवोरस शाकाहारी एनिमल्स के नेम लिखने हैं, लाइक जेब्रा एंड डियर, ZEBRA जेब्रा, DEER डियर। कार्निवोरस एनिमल्स में आते हैं मांसाहारी जीव जो मांस खाते हैं, लायन एंड स्नेक,
LION लॉयन, SNAKE स्नेक। ओमनिवोरस एनिमल्स मीन्स सर्वाहारी, जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं, लाइक बियर एंड क्रो। BEAR बियर एंड CROW क्रो। लास्ट एंड फोर्थ स्कैवेंजर्स, मुर्दाखोर, जो मरे और सड़े हुए जानवरों का मांस खाते हैं, लाइक वल्चर एंड हाइना। VULTURE एंड हाइना, HYENA हाइना। नेक्स्ट टॉपिक, एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। एनिमल्स जो होते हैं वो विभिन्न स्थानों पर मूव करते रहते हैं। लॉयंस, रैबिट्स एंड डियर हैव लेग्स। आपको पता है कि सभी जानवरों के, अधिकतर जानवरों के पैर होते हैं, जैसे कि लॉयन, रैबिट, डियर। दे वॉक एंड रन ऑन लैंड, वे भूमि पर दौड़ते और चलते हैं, लाइक दिस पिक्चर। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कैसे वो दौड़ भाग रहे हैं, चल रहे हैं। स्नेक्स एंड अर्थ वॉर्म्स डू नॉट हैव लेग्स, दे क्रॉल ऑन लैंड। स्नेक्स और अर्थ वॉर्म्स के लेग नहीं होते, इसलिए वो भूमि पर रेंगते हुए चलते हैं, लाइक दिस पिक्चर। बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई इन द एयर। बर्ड्स और जो कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके विंग्स होते हैं, तो वो हवा में उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 30। फिश हैव नाइदर लेग्स नॉर विंग्स, दे स्विम इन वाटर विद देयर फिन्स एंड टेल्स। जो मछलियाँ होती हैं उनके ना तो पैर होते हैं और ना ही पंख होते हैं, उनके फिन्स होते हैं छोटे छोटे और टेल होती है जिसकी सहायता से वो पानी में तैर सकती हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे एंडेंजर्ड एनिमल्स। मैनी वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड बाई ह्यूमन बींग्स फॉर सपोर्ट, सॉरी स्पोर्ट, फूड और मेडिसिंस। बहुत सारे जंगली जानवरों को मनुष्यों द्वारा मार दिया जाता है सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, या फिर भोजन प्राप्त करने के लिए, या फिर दवाइयों के लिए, दवाइयों बनाने के लिए। एज अ रिजल्ट एनिमल्स सच एज टाइगर्स, पांडास एंड इंडियन राइनोसोरस हैव बिकम वेरी फ्यू इन नंबर। इट इज़ कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल। तो इसका परिणाम क्या हुआ? जब मनुष्य ने अपने मनोरंजन, भोजन और दवाइयों के लिए जंगली जानवरों को मार दिया, तो कुछ जानवर जैसे कि टाइगर, पांडास और इंडियन राइनोसोरस, इनकी प्रजाति बहुत कम हो गई है, ना के बराबर हो गई है। इट मीन्स ऐसे एनिमल्स जिनकी नंबर्स बिल्कुल कम हो गई है, जो बहुत ही कम संख्या में बचे हैं, उन्हें हम एंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं। मतलब जो विलुप्ति के कगार पर आ गए हैं, जिनकी स्पीसीज़ बिल्कुल नष्ट हो चुकी हैं, उन्हें हम एंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं। वो सिर्फ एक ही दो बचे हैं देखने के लिए, लाइक आपको विद पिक भी दिखाया गया है, टाइगर, राइनोसोरस एंड पांडा। देयर नंबर हैज़ बिकम सो लेस दैट दे माइट सून नॉट बी फाउंड ऑन अर्थ। उनकी संख्या इस पृथ्वी पर इतनी कम हो गई है कि हो सकता है कि आगे हमको उनकी एक भी स्पीसीज देखने ना मिले। वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम उनको प्रोटेक्ट करके रखें, उनकी रक्षा करें।
एंडेंजर्ड एनिमल्स आर केप्ट सेफ इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क. दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग देयर नंबर. विलुप्त जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कई सारे नेशनल पार्क बनाए गए हैं जहाँ पर उनको सुरक्षित रखा जाता है, उनकी देखरेख होती है, देखभाल होती है और उनके नंबर्स को इंक्रीज़ करने में भी वो लोग हेल्प करते हैं. ओके, उनको सेफ रखते हैं.